हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी अभी एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है सभी नीट स्टूडेंट्स और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस अपडेट को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। जो भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं चौथे सेशन का, इन सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी अपडेट है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। तो आप पूरी न्यूज़ जानने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एनटीए नीट 2021 जेई मेन रिजल्ट को लेकर, किसके नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो इसका ऑल इंडिया रैंक पर क्या असर होगा? दोस्तों, आपको बता दूँ कि एनटीए ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि जब आपका रिजल्ट बनता है तो जो आपकी रैंक होती है, जब आपके एक जैसे नंबर आते हैं, जैसे पिछली बार 720 आउट ऑफ 720 दो लोगों के मार्क्स आए थे, तो उसमें एक को जो है पहली रैंक दे दी जाती है, एक को दूसरी रैंक। तो पहले जो क्राइटेरिया था उसको बदल दिया गया है। अब आपको बता दूं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के बराबर नंबर आने पर उस उम्मीदवार को वरीयता दी जाती थी जिसकी आयु ज़्यादा होती थी, यानी जो बड़ा होता था। लेकिन अब चेंज कर दिया गया है क्राइटेरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एज फैक्टर आपका बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि जो बड़ा है उसको पहली रैंक दे दी जाए और जो छोटा है उसको दूसरी रैंक। यह आज तक की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। रिजल्ट के लिए टाई ब्रेकर नियम प्रयोग किया जाता है। अब से सीनियर कैंडिडेट को वरीयता नहीं दी जाएगी, ये दोनों के लिए, जेई मेन्स और नीट के लिए। अब आपको बता दूं कि रिजल्ट अब कैसे बनेगा। जैसा कि मालूम है, जब एक साथ कई लोगों के एक जैसे मार्क्स आते हैं तो उस पर सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। पूरे नंबर लाने पर भी किसी कैंडिडेट को पहली रैंक क्यों नहीं मिलती सभी को? जैसे आपको मालूम, पिछली बार आकांक्षा सिंह और आफ्ताब दोनों को एक जैसे मार्क्स आए थे, लेकिन ऑल इंडिया वन रैंक मिली थी शोएब को और आकांक्षा सिंह को दूसरी रैंक मिली थी। तो अब मैं आपको बता दूं, एनटीए का एक नया नियम आ गया है जिसके अनुसार जरूरी विषयों के नंबर खाली देखे जाएंगे और आखिर में एज का फैक्टर मैटर नहीं करेगा। और अब क्या देखा जाएगा कि जो भी विषय है उसमें जो गलत उत्तर हैं, जो आपने गलत किए हैं क्वेश्चन और जो सही किए गए हैं क्वेश्चन, उसका अनुपात निकाला जाएगा। जिसके कम अनुपात आएगा उसको वरीयता दे दी जाएगी। तो 2021 की परीक्षा के रिजल्ट में ये नया नियम लागू होने जा रहा है। उम्मीदवार जो है टाई ब्रेकिंग के लिए नए नियम यानी एनटीए की परीक्षाओं के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी ये देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नियम है। तो आपको बता दूं कि जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं मालूम थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बच्चों को भी ये चीज़ पता चल सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी कर सकते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू।